नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक सुगर इंडस्ट्रीज के बारे में, एक सुगर कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एक बहुत छोटा कंपनी है। मैं पहले आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल्स दिखाने से पहले मैं जरूर आपको डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, ये एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, कोई मिड कैप नहीं, माइक्रो कैप टाइप बहुत छोटा कंपनी है। 1,000 करोड़ से भी नीचे है, 1,000 करोड़ से भी नीचे, इतने छोटे कंपनी है। तो जब छोटा कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे रिटर्न मिलने का चांसेस जितना हाई होगा उतना ही रिस्क भी हाई होगा। ये बात आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि चलो सर ने बता दिया, बहुत सारे जगह पे सुनने को मिल गया कि कंपनी एक दिन मल्टी बिगर बनेगा तो मैं पूरा का पूरा पैसा वहाँ पे लगा दूंगा। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। छोटा कंपनी के ऊपर निवेश हमेशा छोटा अमाउंट से ही करना चाहिए। हाँ, अगर उसमें ग्रोथ दिखे, वो धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है, तब उस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे अमेरिकन इन्वेस्टर है, मतलब यूएस इन्वेस्टर है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, उसका रूल्स को फॉलो करता हूँ, मतलब उसको फॉलो नहीं, वो तो अभी मार्केट से मतलब उसका उनका तो डेट भी हो चुके हैं, तो उनका जो रूल्स है वो रूल्स अभी भी टिके हुए हैं, उस रूल से अभी भी ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट फॉलो करते हैं। उनका कहना है कि जब कंपनी के ऊपर मतलब निवेश तभी करिए, कंपनी इतना छोटा है तो छोटा निवेश करिए, जब कंपनी और थोड़ा बड़ा होगा तो निवेश बढ़ा दीजिए, और भी थोड़ा बड़ा होगा तो और भी निवेश बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से स्टेप वाइज वो निवेश करते थे। इसमें क्या होता था, इसमें उसका अगर यहाँ से कंपनी बर्बाद भी हो जाए तो उसका कम लॉस होता, यहाँ से कंपनी बर्बाद भी हो जाए मतलब इस लेवल में आ जाए तो उसका इसी लेवल तक जो इन्वेस्टमेंट था वो लॉस होता। तो इस तरीके से वो सोच के निवेश करते थे। आप भी उस मतलब डाउ थ्योरीज जिसको कहा जाता है, तो उस थ्योरीज को फॉलो करिए। तो उस थ्योरीज को फॉलो करेंगे तो आपको भी यहाँ पे पता चलेगा कि एक्चुअली निवेश आपको किस तरीके से करना है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, और बहुत एक एक गुड न्यूज़ कंपनी दे चुके हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे जानकारी इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है, आप सभी जानते हैं, उत्तम सुगर। तो मैं पहले आपको मतलब डिस्क्लेम मतलब जो थंबनेल आपको बना के दिया वहाँ पे भी लिखा गया है, उत्तम सुगर जो एक मतलब सुगर बनाने के कंपनी से, एक चीनी बनाने के कंपनी से। तो आप देखेंगे तो सुगर जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कंपनी ग्रे सुगर भी बनाते हैं, साथ ही साथ व्हाइट सुगर भी बनाते हैं, साथ ही साथ कंपनी रिटेल बिजनेस भी करते हैं, साथ ही साथ कंपनी जो जो प्रोडक्ट है, इस कंपनी की खासियत मुझे क्या लगता है आप जानते हैं, कंपनी का जो जो क्लाइंट्स है, मतलब जिसको कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेवल का क्लाइंट्स है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखे हुए हूँ। इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी इतने बड़े मार्केट को कैप्चर किया, इतने बड़े लीडर्स को कैप्चर किया, यही सबसे बड़ी बात है। जैसे देखेंगे बिग बाजार, चलो मैं बिग बाजार को तो छोड़ ही देता हूँ, तो बिग बाजार का हालत खराब हो गया, चलो मादा डियरी, तो इंडिया में एक पॉपुलर नाम है मतलब डियरी फार्म में, मादा डियरी, पतंजलि, पार्ले जो बिस्कुट आपने मतलब बिस्किट आपने खाए होंगे, अभी भी खाते हैं, मैं भी अभी तो खाता हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पेप्सी जो वर्ल्ड का नंबर वन कंपनीज है इस फील्ड में, तो पेप्सी का भी इसी का प्रोडक्ट यहाँ पे इसका पार्टनर्स है, मतलब इसका क्लाइंट्स है। और यहाँ पे देखिए जो हिमालय जो प्रोडक्ट्स है, साथ ही साथ आप देखिए कैफे कॉफी डे और इजी डे, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ब्रिटानिया, डाबर, अमेजन में भी माल बेचते हैं, फ्लिपकार्ट में बेचते हैं, ग्रोफर्स में भी बेचते हैं, साथ ही साथ भी मार्ट। तो इस तरीके से कंपनी का जो बिजनेस का जो मतलब कस्टमर्स है, मतलब कंपनी जिसको माल बेचते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग 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 कंपनी का कस्टमर्स है। तो ये एक खासियत है कंपनी के लिए। तो मैं जरूर करूंगा कहूंगा इस खासियत के हिसाब से आपको कंपनी के ऊपर स्टडी अप करना चाहिए। तो अभी देखना है कंपनी के मतलब बाकी डिटेल्स क्या है, बाकी डिटेल्स मतलब जैसे आप देखेंगे तो कंपनी मतलब उत्तम सुगर के फ्यूचर क्या है, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप कितना, मैं पहले बता चुका हूँ, 1,000 करोड़ से भी कम, 987 करोड़ का। और कंपनी का पी रेशियो कितना, 7.14, और कंपनी का पी मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना, 13.0। तो पी रेशियो भी कम है तो एक अच्छी बात है, कंपनी का बुक वैल्यू, कंपनी के बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो ये एक वीक माना जाता है, हमेशा हमेशा बुक वैल्यू के नीचे जब ट्रेड करते हैं कंपनी का ग्रोथ और भी हो सकता है, इस तरीके से कुछ पॉसिबिलिटी दिखा जाता है, मगर मुझे तो ऐसे बहुत सारे लार्ज लार्ज कंपनी में नहीं देखने को मिला। तो कंपनी का जो इनकम है, 135 करोड़ का इनकम है, कंपनी का डेप्थ मुझे बहुत ज़्यादा लगा, 640 करोड़ का डेप्थ है, यही मुझे सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट्स लगा इस कंपनी का। क्योंकि देखिए कंपनी छोटा है मानता हूँ, कंपनी इतने बड़ा कर्जा लेके रखा,
अगर देखिए कंपनी कर्जा इतना लेके रखा तो फिर भी कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो एक एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी है एक नेगेटिव पॉइंट्स भी है, क्योंकि 1.42% का डेप्थ कोई छोटा मोटा डेप्थ मत समझ लेना, बहुत बड़ा डेप्थ होते हैं। तो कंपनी करीबन इनकम जो कर रहा है उसका करीबन करीबन 4 गुना कंपनी कर्जा लेके बैठा हुआ है, जितना इनकम हो रहा है उससे 4 गुना, ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट्स है। तो कंपनी का हाथ में कैश भी करीबन 289 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो वैल्यूज है आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ 112% है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 17.8% है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का जो प्रोडक्शन है, और कंपनी आप एक इंडस्ट्रीज के ऊपर नया एंटर हो चुके हैं, वो है इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड यहाँ पे देखिए जेनरेशन ऑफ पावर, मतलब पावर से इथाइल अल्कोहल जो है वो भी शुगर इंडस्ट्रीज से ही मिलते हैं, और इथाइल अल्कोहल गाड़िया में मतलब डालकर चलाया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो इसका डिमांड भी बढ़ेगा और शुगर का डिमांड भी बढ़ेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको इसीलिए फोकस रखने के लिए जरूर कहूँगा। तो कंपनी बहुत छोटा है इंडस्ट्रीज के हिसाब से, तो कंपनी एकदम बहुत छोटा है, 8 नंबर रैंकिंग में कंपनी का नाम आते हैं, और कंपनी का जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियोज है आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट दिखेगा, बीच में छोटा सा लॉस किया क्वार्टर बेसिस। कंपनी के साल भर की बात करो तो देखिए कंपनी साल भर में पहले तो लॉस करते थे, उसके बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट किया और प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है। मुझे देखिए इस कंपनी में जो खासियत तो जरूर लगा कंपनी का सेल्स ग्रोथ, ऑब्वियसली सेल हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है, मगर एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये भी नोटिस करना होगा, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे हुए है। कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लेके रखा है जिसके हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, अगर इंटरेस्ट कम होता तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और भी बढ़ जाता, कंपनी इंटरेस्ट ज़्यादा लेके रखा तो इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर कंपनी ने तो तगड़ा रिटर्न दिया, कंपनी 10 साल में 27% का रिटर्न, 3 साल में मुझे तो 34% का रिटर्न मिल गया, मतलब 3 साल के अंदर अंदर मेरा फंड तो डबल हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मगर मैं आपको जरूर कहूँगा रिटर्न के चक्कर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना नहीं है, अगर आपको कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी में अगर दम है, फ्यूचर में बहुत दम दिखा सकते हैं तभी कंपनी के ऊपर निवेश करना, नहीं तो आप रिटर्न देकर निवेश मत करिएगा। बहुत सारे कंपनी से जो नेगेटिव में रिटर्न दे रहा था और 1-2 साल में वो 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया, ऐसे भी हुआ है, तो आप उसको देखकर निवेश मत करिएगा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आपको पॉजिटिव दिखेगा। अभी देखना है कंपनी का हाथ में कैश फ्लो कितना आ रहा है, तो कैश फ्लो भी कंपनी का हर साल में ठीक ठाक ही आ रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि कैश फ्लो ही कंपनी को बताते हैं कि एक्चुअली कंपनी जो कैश कंपनी के हाथ में आ रहा है क्या कंपनी का कैश सही टाइम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी देखना जरूरी है। साथ ही साथ कंपनी कितना अर्निंग कर रहा है वो भी आपको देखना चाहिए, मतलब अर्निंग पर शेयर भी आप देख चुके हैं। कंपनी का जो बैलेंस शीट है आप वहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना होगा वो है रिजर्व, क्या रिजर्व सही दिशा में जा रहा है, कि रिजर्व बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। पहले देखिए बीच में कंपनी का रिजर्व नेगेटिव हो रहा था, तो नेगेटिव होने के कारण कंपनी रिजर्व अगर नेगेटिव में हुए तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हमेशा देखने को मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो भी देखिए लगातार यहाँ पे ग्रोथ होता जा रहा है, मतलब पहले भी 600 करोड़ था आज भी 600 करोड़ है, मतलब बीच बीच में तो 800 करोड़ भी चला गया था, तो ये कंपनी कंट्रोल अभी तक नहीं कर पा रहा है, तो इस चीज़ को आपको नोटिस में रखना होगा। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर जो है तो प्रोमोटर के पास ही 74% है, FIS DIS इस कंपनी के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई भी निवेश नहीं किया, बाकी जितने सारे इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक ने उठाया है। तो क्योंकि प्रोमोटर नहीं चाहते हैं इतने रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करके उसका फंड यहाँ पे फंसे रहे, तो वो इसीलिए निवेश नहीं किया, छोटा मोटा निवेश किया, अगर कल जाकर कंपनी बंद भी हो जाए डूब भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, हाई रिक्सी कंपनी है तो हाई रिक्सी कंपनी के ऊपर आपको हाई रिक्स रिटर्न भी मिलता है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। देखिए उत्तम सुगर जो है आपका चार्ट पैटर्न में दिखेगा, कंपनी देखिए कितने 400 में चलने वाला, 400 के ऊपर भी चलने वाला कंपनी था, आज वो कितना बना, आज वो बन रहा है करीबन करीबन 250 के आसपास। तो कंपनी देखिए किस तरीके से लगातार गिरावट हुआ था और किस तरीके से वो ग्रोथ हुआ है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया, तो मेरे इस कंपनी के पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, पहले मैं बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे शुगर कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से नंबर वन कंपनी जो है उसके ऊपर मैं फोकस रखता हूँ। देखा जाए तो मुझे बलराम चीनी इसको इंडस्ट्री इस कंपनी मुझे अच्छा लगता है, तो फिर भी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप रिसर्च करना तभी आपको पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।